नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चावल की बर्फी। चावल के लड्डू तो सभी ने बहुत खाए होंगे, चावल की बर्फी भी बहुत ही बढ़िया बनती है। और रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिए हैं, और चावल को आप धुलकर साफ कर कर धूप में सुखा लीजिए। अगर आप धुलना नहीं चाहते हैं तो किसी टॉवल से इसे अच्छे से पोंछ लीजिए और फिर इसको भून लीजिए। तो मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और चावल को अब हम लगातार भूनेंगे और इसे अब हम इसी तरह लगातार चलाते हुए भूनेंगे। और जब ये हल्का भून जाएगा तो ये सफ़ेद जैसे दिखने लगेगा और हल्का फूला फूला दिखने लगेगा। तो इसी तरह 3 से 4 मिनट तक हम और चलाएंगे तो हल्का कलर भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह का चावल हमें भुना चाहिए है, तो अब हम इसे ठंडा करने रख देंगे। और चावल ठंडा हो गया है तो इसे अब हम एक जार में डाल देते हैं। और चावल को हमें बहुत ही महीन पीसना है, तो सारा चावल डाल देते हैं हम इस जार में। और इसे महीन पीस लेते हैं। पीसने के बाद हम चावल को छान लेंगे और इसका अच्छे से पाउडर आप जरूर बनाएं, ज़्यादा मोटा ना रखें इसे। और चावल को हमने छान लिया है, अब हमने इसे एक बाउल में डाल लिया है और इसमें डालेंगे थोड़ी सा इलायची का पाउडर। और मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर, तो ये मैंने आधी कटोरी लिया है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो 1/2 कप आप घर की ताजी मलाई भी इसमें डालकर मिलाकर रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 3 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें गुलटे बिल्कुल ना रहें, इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। घी और चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो पूरा यहाँ पे मैंने 3 चम्मच घी डाल दिया है, 2 चम्मच पहले 1 चम्मच बाद में। और अब हम इसे अच्छे से इसी तरह मिक्स कर लेते हैं। और देखे बहुत ही बढ़िया मिक्स हो गया है। अब हम इसे साइड रख देते हैं और एक पैन ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक पैन में चीनी डालेंगे, और जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमने पानी लिया है। 1 कप चीनी में 1/2 कप पानी या फिर 1 कप पानी डालकर आप इसे अच्छे से पका सकते हैं। और चाशनी हल्की गाढ़ी होने लगे तब हम इसमें चेक कर लेंगे। देखें बहुत ही बढ़िया गाढ़ी दिख रही है, तो इसका हल्का सा तार बनना चाहिए या फिर ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हाथों पर लगनी चाहिए। तो इस तरह की चाशनी हमें बनाना है। और देखें हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो जो चावल का आटा और मिल्क पाउडर मिलाकर हमने रखा था, अब हम उसे डालेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुलटे ना पड़े। और इसी तरह 3 से 4 मिनट तक हम अच्छे से इसे मिलाएंगे। अगर आपको लगे इसमें गुलटे पड़ रहे हैं या कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसमें 3 छोटी चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच दूध डाल दीजिए और फिर इसे मिक्स कर लीजिए। तो हमने इसे बिना दूध के ही इसी तरह मिक्स किया है और इसे लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करना है। आँच को बिल्कुल धीमा ही रखना है और इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही बढ़िया अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, ना ही इसमें गुलटे पड़ेंगे और ना ही कोई दिक्कत आएगी। और 3 से 4 मिनट ये इसे हम धीमी आंच में इसी तरह चलाते चलाते पकाएंगे ताकि ये थिक हो जाए और पैन को भी छोड़ दे। और 3 से 4 मिनट बाद ये काफी गाढ़ा हो जाएगा इस तरह से। अब हम इसमें डालने वाले हैं गरी का बुरादा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसे डालिए, इससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा बर्फी का।
तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। तो बस अब हम इसे जमाने के लिए तैयार हो गई है बर्फी हमारी। अब मैंने यहाँ पे एक थाली ली है और घी से इसे ग्रीस कर लेंगे, चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेंगे और अब हम बर्फी को जमाने के लिए फैला देंगे और इस तरह से चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। जितना मोटा पतला आप रखना चाहें उस हिसाब से इसे रख सकते हैं। अब एक हम चम्मच की सहायता से इसे भी छुटा लेंगे और सब हम इसी तरह छुटाकर इसे अच्छे से चिकना करेंगे। तो उसी चम्मच की सहायता से हम इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे या फिर हम हाथों पर हल्का सा घी लगाकर भी इसे चिकना कर सकते हैं। और देखें ये काफी चिकनी हो गई है और एक बार फिर हम इसे चिकना कर देते हैं हाथों पर घी लगाकर हल्का हल्का। और जो भी मेवा आपको पसंद हो आप इसके ऊपर बिछा सकते हैं। तो मैंने थोड़े से यहाँ पे बादाम लिए हैं कटे हुए, तो गरम गरम में ही हम इसे लगा देंगे ताकि ये चिपक जाए और हाथों से इस तरह से दबा देंगे। हल्के हाथों से हमने इसे दबा दिया है, 10 मिनट बाद देखेंगे कि बर्फी सेट हो गई है तो इसे हम काट लेंगे। तो जैसे पीस आपको पसंद है उस तरह से आप बर्फी को काट सकते हैं। मैं यहाँ पर चौकोर साइज की बर्फी के पीस काटने वाली हूँ और चौकोर पीस हमने काट कर तैयार कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया जमी है। और देखें एक एक बर्फी बहुत ही बढ़िया अच्छे से बनकर तैयार हुई है। तो इसकी अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं।